इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर और भारतीय एनिशियंट हिस्ट्री पर और मॉडर्न हिस्ट्री पर वो मुझसे डिबेट करें, मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि किसी भी डिबेट में अगर मुझसे आगे आ जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उनको वही बोलने आता है कि हाजियों पर गुस्ताखी करें, टोपियों पर गुस्ताखी करें, बोलने सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आता है। अख्तरुल इमाम को न कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी है न मजहबी जानकारी, अपने ही वो मुफ्ती है, अपने ही वो फतवा भी देता है। और कितनी गंदी गंदी बात पूर्व में वो बोल चुका है कि जदयू में रहने वाले मुसलमानों को क्या करना चाहिए। और मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर और भारतीय एनिशियंट हिस्ट्री पर और मॉडर्न हिस्ट्री पर वो मुझसे डिबेट करें, मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि किसी भी डिबेट में अगर मुझसे आगे आ जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चूंकि हाउस में लीडर थी और हाउस में 5 मिनट का समय मिलता था, मैंने इलाकाई मुद्दों को, चाहे वो नदी कटान का मुद्दा हो, वो क्षेत्र से जुड़ी समस्या हो, बिजली हो, आवास हो, रोड हो, उस पर हम लोग बोलते थे। 5 मिनट के समय पर सबको बोलना था, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो अपने ही बोलते थे, चूँकि लोग मुझे बिहार में एक रहबर के रूप में जाने। जहाँ तक बोलने का सवाल है तो अख्तरुल इमाम को पता होना चाहिए कि राजनीति हम लोग को विरासत में है और हम लोग 1952 से राजनीति कर रहे हैं। विधानसभा में हार जीत हुआ है, लेकिन पंचायत और जिला परिषद और प्रमुख की राजनीति में हम लोग कभी चुनाव नहीं हारे। सर आपका मतलब ये है कि सर बिहार विधानसभा में आप लोगों को समय नहीं दिया जाता था, सिर्फ अपने समय देता था। पार्टी की संख्या कम थी विधायकों की, संख्या बल के आधार पर समय मिलता है और ये लफाजी करने के लिए किसी को समय नहीं देता था। फिर भी हम लोगों ने बोला है, सारे सब्जेक्ट पर बोला है। और आप पुराने विधानसभा के रिकॉर्ड्स को देखिए, चाहे वो नदी कटान का मामला हो, चाहे वो विस्थापित का मामला हो, बिजली का मामला हो, सड़कों का मामला हो, और फिर डेवलपमेंट के लिए ये हमको बताएंगे कि डेवलपमेंट कैसा होता है। पॉलिटिकल नॉर्म्स ये अख्तरुल इमाम जैसा आदमी हमको बताएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स को अख्तरुल इमाम जैसा आदमी मुझे बताएगा। चूंकि पार्टी के सदर थे और फ्लोर लीडर थे, उनको मौका मिलता था, हम लोगों को बहुत कम समय मिलता था। आजादी नहीं है, MIM के संगठन को बर्बाद किया है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मिशन को बर्बाद किया है कोई शख्स, वो है अख्तरुल इमाम। उसको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। पार्टी टूट का सबसे बड़ा कारण अख्तरुल इमाम है, संगठन पूरे बिहार में आज तक नहीं बन सका इसका कारण अख्तरुल इमाम है। अख्तरुल इमाम को अगर नैतिकता है, नैतिकता होगी तो वो पार्टी से इस्तीफा दे, और इस्तीफा दे करके तो फिर टिकट वितरण से लेकर अभी पार्टी टूटने तक ये क्या होता? उन्हें सिर्फ पूरे बिहार में अराजकता का माहौल बनाना है, मुसलमानों को ब्लैकमेल करना है, असदुद्दीन अवैसी साहब के मिशन को जन जन तक जाने नहीं देना है। ये मिशन है मिस्टर अख्तरुल इमाम का। जानकारी है हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन क्या है बिहार के प्रभारी को कहा है कि ये संगठन को नहीं बना रहा है, ये संगठन पर टाइम टू टाइम ऐसा ही लेकर के संगठन को बर्बाद कर रहा है। और आज इसकी गुस्ताखियां और इसकी लफाजी हद को पार कर गई है। मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दायरे और पेशेंस और धैर्य का चीज है, अगर आप अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जिस टाइप का सवाल करेंगे आपको उसी टाइप का जवाब मिलेगा। सर उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि अभी 4 गया है तो 24 लाएंगे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक मुंगेरी लाल का सपना है, क्योंकि बिहार की राजनीति अब वो राजनीति नहीं रही। बिहार में हिंदू मुसलमान सारे लोग राजनीतिक परिवेश को समझ रहे हैं। 24 लाएंगे वो खुद अपना लाएंगे, आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये सुनिश्चित करेंगे।